दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थंब रूल बेस्ड रहेगी, हाउस कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड रहने वाली है और एक सिविल इंजीनियर को भी ये पता होना चाहिए। तो कंप्लीट वीडियो देखना। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है, एक 2 से 3 स्टोरी की घर की कंस्ट्रक्शन अगर करवा रहे हो तो उसमें फुटिंग का साइज़ क्या रखना है, कितने में कितने की फुटिंग होनी चाहिए, उसकी डेप्थ कितनी रखोगी, कि फुटिंग कैसे प्रोवाइड करनी है, उसमें जो स्टील रहेगा फुटिंग का वो कैसे रहेगा, कॉलम का क्या स्टील रहेगा, वो सब चीज़ें इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। कंप्लीट डिटेल दिखाऊंगा, थंब रूल बेसिस पे। एक कल भी वीडियो आई थी जिसमें हमने ड्यूप्लेक्स घर का किया था कि उसका स्टील वगैरह, और जिन्होंने नहीं देखी वो भी जाके देख लीजिए। लेकिन आज 3 स्टोरी तक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कंप्लीट देखिए। लेकिन उससे पहले एक काम कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो सिर्फ सिविल साइट विजिट पे ही मिलेंगी। तो शुरू करते हैं। 3 स्टोरी की मैं बिल्डिंग बोलूं या घर बोलूं, 3 स्टोरी का घर है और इसमें आपको पहले फुटिंग क्या, थंब रूल क्या कहता है। थंब रूल कहता है 1500 से 2100 के बीच आपकी फुटिंग रहती है। ऐसे इसको निकाल भी सकते हैं हम, मतलब लेंथ और ब्रेथ आप इजिली निकाल सकते हो, वो भी थंब रूल है, उसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में रहेंगी, वो भी देख सकते हो। लेकिन आप इसको फॉलो करके बना सकते हो, इसको देख के भी कर सकते हो। देखो क्या करना है, आप अगर 3 स्टोरी की मतलब आपकी बिल्डिंग है तो आप जा सकते हो 2107 फुट, ये भी आपकी जा सकती है 2100 mm और 7 फुट। अगर 3 स्टोरी की आपकी बिल्डिंग है, घर है, आप इतनी की प्रोवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा फुटिंग का साइज। अभी आपको हमेशा ये ट्रेपेजोइडल फुटिंग देनी है। कौन सी ट्रेपेजोइडल फुटिंग? आइसोलेटेड ट्रेपेजोइडल फुटिंग होगी। देखो इसको देने का क्या फन है, जो भी लोड आएगा ना, ये कॉलम पे लोड बढ़ेगा तो यो लोड होगा ना प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आधा इधर आधा इधर आधा इधर आधा। अगर हम ये फुटिंग देते हैं, इसकी स्टील की डिटेल में अभी देने बाकी, आपको पहले मैं थोड़ा बेसिक समझा देता हूं। अगर हम ये फुटिंग प्रोवाइड करते हैं डायरेक्ट, मतलब फ्लैट फुटिंग, ये कॉलम होगा ऊपर, इधर से जो लोड पड़ेगा ना, ये लोड पड़ा और ये यहां से क्या होगा, सीधा लोड इस एक ही जगह पे काउंटर करेगा, तो ये फुटिंग टूटने के, क्रैश होने के चांसेस होते हैं, क्लैप्स हो सकता है आपका स्ट्रक्चर और सेटलमेंट होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अगर लोड बढ़ गया ना तो ये वाली जो फ्लैट फुटिंग है, ये कॉलम फाड़ के नीचे निकल जाता है, पंचिंग शेयर जिसे हम बोलते हैं, पंचिंग फेलियर आपका होने के चांसेस यहां हो सकते हैं। तो आपको हमेशा ये ट्रेपेजोइडल बनाना ही बनाना है, अपने मिस्त्री को कह दो ये बनाना ही बनाना है, मस्ट है। अगर हम इसमें पहले इसकी सरिये की बात कर देता हूं, इसको हमें देना है, ये हाइट आपको रखनी है 8 इंच, ठीक है, ये हाइट हमेशा रहेगी आपके 8 इंच और ये रहेगी आपकी 1.5 फीट, मतलब यहां से ये इतनी आपको देनी ही देनी है, ये 1.5 फीट हो गई और ये होगी 8 इंच। अभी मैं बात करूं सरिये की, तो आपको सरिया प्रोवाइड करना है 16 mm का मेन बार, मतलब ऐसे तो दोनों मेन बार कहलाएंगे, सेम साइज है, 16 mm का ऐसे एक तरफ आपको 16 mm का प्रोवाइड करना है, कितने सेंटर से, 150 mm के सेंटर से, सेंटर टू सेंटर, और 6 इंच के सेंटर टू सेंटर, ये ऐसे आ जाएगा आपका, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी स्पेसिंग कितनी होगी बीच में, 6 इंच या 150 mm, ठीक है, क्लियर। अभी जो यहां वाला सरिया आएगा, एक तरफ का सरिया आपका आएगा 12 डाया का, वो भी कितना आएगा आपका 150, मतलब 6 इंच का, ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे। ये किसके लिए हम कर रहे हैं, 3 स्टोरी के लिए, अगर हमारा थंब रूल से हिसाब से हम बनाए, अगर आपको मिस्त्री भी देगा, आर्किटेक्ट भी देगा इसी हिसाब से देगा। अगर हम यहां देखेंगे तो आपको कैसे दिखेगा, जो मेन सरिया होगा वो आपको ऐसे दिखेगा, ये वाला ऐसे होगा और ये ऐसे आ रहा है सरिया, वो आपको दिखेगा ऐसे 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 ऐसे, और इसका सेंटर कितना मैंने कहा 6 इंच, सब में 6 इंच, दोनों तरफ से 6-6 इंच हमारा सेंटर रहेगा। इतना क्लियर हो गया आपको। अभी आता है हमारी बात ऊपर का जो वर्टिकल सरिया होगा, चलो कॉलम का सरिया मैं इसमें थंब रूल के हिसाब से बता दूंगा आपको, ये जो कॉलम का सरिया होगा ये ऐसे आएगा, ऐसे
ये आपको एल रखना ही रखना है, ये जो डेवलपमेंट लेंथ होती है ना, कहां से काउंट होगी डेवलपमेंट लेंथ, यहां से लेके यहां यहां तक, मतलब अगर मैं बात करूं 16 mm का हम सरिया यूज कर रहे हैं इसमें, 16 mm का, तो आपको ये 800 mm रखनी ही रखनी है, मतलब 2.6 फीट, 2.6 फीट रखना ही रखना है, कहां से लेके यहां से लेके यहां तक। अगर हम इसको अकेले गिने, देखो 1.5 फीट ये हो गया, 1 फीट आपको ये रखनी ही रखनी है मिनिमम, मिनिमम कितनी 1 फीट आपकी रहेगी अगर ये चीज आप फॉलो करते हो, बाकी आपको ये 50D के हिसाब से रखना होता है, यहां से लेके यहां तक ये ऐसे ऐसे लेंथ काउंट करनी होती है 50D के हिसाब से, मतलब 16 का होगा तो 800 mm, 20 का होगा तो 1000, 25 का होगा तो 1250, ऐसे 32 का होगा तो 1650, ऐसे ऐसे आपको 50D के हिसाब से प्रोवाइड करनी है यहां से लेके यहां तक। ये मैंने काफी जगह गलती देखी है कि कितना रखते हैं 4 इंच 6 इंच, तो उसका कुछ फन ही नहीं रहा, कुछ है ही नहीं। अभी बात करता हूं मैं कॉलम की, कॉलम का क्या साइज रखना है। अगर 3 स्टोरी की बिल्डिंग रख रहे हो आप और फ्यूचर में भी उसको एक्सटेंशन का आपका है मन, ये आपको 450 mm या 1.5 फीट बोल लो, ये रखना ही रखना है। और सरिये की डिटेल क्या रहेगी इसमें, ये 20 का और 16 का, और स्टीरअप आपका इसमें ऐसे आएगा ऐसे, और यहां आएगी हुक लिंक, ये आपको प्रोवाइड करना है। तो आपका मतलब अर्थ के प्रूफ हो गया, अगर सेफ हो गया, तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है। मतलब आपकी फुटिंग का लेंथ बेसिक कितना रहता है, 1500 से 2100, और जो ये इसकी गहराई रखनी है आपको फुटिंग की, ये आ गया हमारा ग्राउंड लेवल, यहां से आपको इसको रखना है 1500 से 2 मीटर। बाकी आपके डिपेंड किस पे है, सॉइल की, अगर पत्थर वाला सॉइल है मतलब उसमें पत्थर है छोटे छोटे तो आप 1500 रख सकते हो, अगर उसमें मतलब काली मिट्टी है जहां कोहेसिव सॉइल है मतलब चिकनी मिट्टी, तो उसमें आपको 2100 नीचे जाना ही पड़ेगा, मतलब 7 फुट तक आपको नीचे जाना ही पड़ेगा। तो ये बेसिक डिटेल थी, आप इसको फॉलो कर सकते हो, 7x7 की फुटिंग रख सकते हो। बाकी इसको लेंथ कैसे निकालते हैं वो भी थंब रूल है, हम सरिया कितना देंगे, हम सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हैं, सब कुछ आप अपने घर पे निकाल सकते हो, कोई इंजीनियर की जरूरत नहीं है, कोई आर्किटेक्ट की नहीं, कोई लैब की नहीं, उसकी वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद वो देख लो, फिर आप खुद डिजाइन कर लोगे कि आपकी अगर तीन स्टोरी का घर है तो उसमें कैसे प्रोवाइड करना है। अगर कमेंट करते हो 2 स्टोरी कब लाऊंगा, 1 स्टोरी कब लाऊंगा, वैसे इस पे कंटिन्यू रखूंगा सीरीज अगर आप कमेंट करते हो। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल पे आपको काफी चीजें मिलेंगी, थंब रूल मिलेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन मिलेंगे और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा सिविल इंजीनियर को। थैंक यू।